को पकड़ लेते या किसी और का नाम लिख लेते तो आप उसको मुल्जम बना देते। तो ये उन्होंने कहा क्या यही शवाहिद हैं, यही सबूत है, यही इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा जी मुझे टाइम दें, मुझे टाइम दें। तो तफ्तीशी मौजूद था मिसल से, उन्होंने कहा आप ततिमा बयान पढ़ें। और जब तफ्तीशी ने ततिमा बयान मुदई का पढ़ा तो उसमें सदफ अब्दुल जब्बार ने प्रोग्राम किया था, खावर घुमन उसके कोऑर्डिनेटर थे, उसके जो है अरशद शरीफ जो है वो उसके वो थे, और इसी तरह जो है बाकी दीगर अशखास का नाम भी था। बाकी सारों को जो है बरी ज़िम्मा कर दिया। और उस शख्स को जो कराची में बैठा हुआ है, उन्होंने कहा ये चीफ कोऑर्डिनेटर था ARY के प्रोग्राम का, लिहाजा इसकी जो है, उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई, प्रोग्राम जो है यहाँ हो रहा है, कर उसको जो रही है वो आपकी मुलजम नहीं है, जो खावर घुमन जो उसको कोऑर्डिनेटर कर रहा है वो मुलजम नहीं है, वो सारे बेगुनाह हैं। तो ये अमाद यूसुफ कहाँ से बीच में आ गया? इसके अलावा उन्होंने कहा शहादत बताइएगा, तो कोई शहादत उनके पास नहीं थी। इसलिए जज साहबान ने कहा कि ठीक है हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर यही शहादत है तो आप सोच लें कि इसके बाद भी कोई जवाब बनता है। तो मैंने अर्ज़ की कि जनाब इससे बैनुल अक़वामी तौर पर भी हमारी सहाफ़ी बरादरी पर, हमारे जो है पाकिस्तान के इमेज पर कि यहाँ बुनियादी हकूक़ को किस तरह से पामाल किया जा रहा है और किस तरह से आज़ादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है, ये दुनिया सारी में एक शोर गौगा है। और पाकिस्तान के सहाफ़ी भी इससे इस कदर खायफ हो रहे हैं कि वो अब कोई भी प्रोग्राम करने से पहले जो है उनको इसी खौफ के तहत के हमारे ऊपर भी वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी अंदाज़ा करें म्यूटनी बगावत, ये इतने बड़े बड़े दफ़ात वो लेगेसी लगा दी गई जो 1923 में जो ताज बरतानिया ने ग़ुलाम रखने के लिए जो कानून में तरमीम की थी या बनाए थे, उनका जो है गोगा और शोशा हमारे ऊपर डाला गया है। और हमारी तो इसमें भी आर्टिकल सेक्शन 196 है कि सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो सैंक्शन भी इसके खिलाफ नहीं थी कोई शहबाज गिल की, और सिटी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई अख्तियार नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, जो इन्होंने पेश किया वो भी सैंक्शन नहीं थी। सो किसी अंदाज से भी ये अमाद यूसुफ या किसी मीडिया चैनल के खिलाफ चैनल या उनके किसी कोऑर्डिनेटर या किसी उनके जो है ऑर्गेनाइज़र या उनके प्रेसिडेंट या मालिक को भी बना दिया उन्होंने इसमें जो है इकबाल साहब को भी, तो वो भी उनको भी बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया तफ्तीश में। अमाद यूसुफ को पिक किया गया था और ये पिक एंड चूज़ भी ये डिस्क्रिमिनेटरी थी, ये बादी उन नज़र में ये आइन के मुतसादिम थी। बहर कैफ अब उन्होंने दो हफ्ते की